नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल लिटरेचर एंड कल्चर में। दोस्तों, हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम इस पृथ्वी पर कैसे आए, कैसे हमारा जन्म हुआ, कैसे ये दुनिया बनी। इस तरह की भावनाएं हमारे मन में हमेशा रहती हैं, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। हमेशा वो यही सोचते हैं कि सृष्टि का जन्म कैसे हुआ, कैसे हम लोग बने, इतनी सारी जो विभिन्नताएं हैं वो कैसी हैं। तो संस्कृत साहित्य में जब हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में दो चार बातें जो है वो श्लोकों के माध्यम से आती हैं कि संस्कृत साहित्य में कहा गया है कि एको अहम बहु श्याम है, यानी सबसे पहले जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था तो ईश्वर था, ईश्वर तत्व था, ब्रह्म, परम ब्रह्म, जिसका कोई आकार प्रकार नहीं। कहते हैं ना कि जो आदि है अनंत है और जो अशरीरी है वही परम ब्रह्म। तो उसके मन में एक विचार आया, मन में विचार आया, विचार ईश्वर के मन से प्रारंभ हुआ और आज हमारे मन में भी अधिकतर विचार आते हैं और उन विचारों के आधार पर ही हम कार्यों की क्रियान्विति करते हैं। तो ईश्वर ने भी अपने मन के विचार के आधार पर सृष्टि का आरंभ या सृजन किया। कहते हैं कि ईश्वर के मन में विचार आया कि एको अहम बहु श्याम है, कि मैं एक हूं और मैं अनेक होना चाहता हूं। ये ईश्वर के मन की विचार था, मन की विचारधारा कहिए कि ये थी। तब उसने अनेक रूपों में सृष्टि में अनेक पशु पक्षी पेड़ पौधे प्राणियों को जन्म दिया और तब कहा कि अजा मेकाम लोहित कृष्ण शुक्लाम बहवी प्रजा सृजमाना स्वरूपा। यानी जिस प्रकार से एक बकरी अनेक रंगों की होती है, सफेद भी होती है, लाल भी होती है, काली भी होती है, लेकिन होती वो बकरी ही है, तो उसी प्रकार से ईश्वर ने मनुष्य को जन्म दिया, मनुष्य का इस धरती पर सृजन किया और मनुष्य भी अनेक प्रकार के, अनेक रंग रूप आकार के थे, लेकिन थे सभी मनुष्य और आज भी सभी मनुष्य ही हैं। हमने उन्हें अनेक वर्गों में बांट लिया, अनेक जातियों में बांट लिया, अनेक रंग रूप के आधार पर उन्हें हमने बांट लिया, लेकिन वो है मनुष्य ही। तो कहते हैं ईश्वर के मन में वो जो विचार आया, उसके वो जो आधार बना हमारी सृष्टि की उत्पत्ति का, तो कहते हैं कि वो सृष्टि की उत्पत्ति का आधार, क्योंकि हम भी ईश्वर की संतान है, तब से चलता आ रहा है और आज भी हमारे मन में है। हम भी वैसा ही आचरण करते हैं जैसा कि प्रारंभ में, सृष्टि के आरंभ में शुरू हुआ था। हम भी यही चाहते हैं कि एको अहम बहु श्याम है, क्योंकि हम परमात्मा का ही अंश है। जो हमारे अंदर आत्मा है वह परमात्मा का ही अंश है। समस्त आत्माएं मिलकर ही एक परमात्मा स्वरूप के रूप में हम उसे मानते हैं कि परमात्मा का जो स्वरूप है वो समस्त सृष्टि की आत्माओं का एक सम्मिलित रूप है, वही परमात्मा है। तो हमारे मन में भी ये विचार हमेशा बना रहता है कि एको अहम बहु श्याम। हम इसीलिए अपना परिवार बसाते हैं, अपनी हमारी संतानें होती हैं और हम उनका पालन पोषण करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से ईश्वर ने अपनी संतानों को जन्म दिया, उसी प्रकार से हम भी अपनी संतानों को जन्म देते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं। और दोस्तों, हम अपनी संतानों का ही नहीं, ये विचारधारा हमारी सभी जगह होती है। अगर हम एक अध्यापक हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हों। अगर हम एक संत हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स हों, बहुत सारे हमारे जो अनुयायी हों। तो इस प्रकार से हम किसी भी क्षेत्र में जब काम करते हैं तो हम चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हों जो हमारे अंडर में काम करने वाले हों और हम अपने ही स्वरूप को उनमें देखें, अपने ही रूप को उनमें देखें। जैसा काम हम करना चाहते हैं, हम करते हैं, हम उन्हें भी वैसा ही करते देखें। तभी तो दोस्तों, जब हम अपने स्टूडेंट्स को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, देखते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। हमें लगता है जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं। अपनी संतानों को जब हम आगे बढ़ता हुआ देखते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है और हम बहुत ही स्नेह भाव से ये सोचते हैं कि हमारी संतानों की, हमारे शिष्यों की, हमारे अनुगामियों की, हमारे फॉलोअर्स की बहुत तरक्की होनी चाहिए। तो ये भावना जो ईश्वर के मन से शुरू हुई, एको अहम बहु श्याम है, वो आज भी हमारी सृष्टि में चल रही है और जब तक मनुष्य इस सृष्टि में है तब तक ये भावना अपने मन में लेकर ही चलेगा। और इसीलिए व्यक्ति कभी भी अकेला नहीं रह सकता, हमेशा वो एक समाज में, एक सामाजिक प्राणी के समान वो रहता है, अपना संगठन बनाता है और बहुत सारे लोगों के बीच में रहकर अपनी प्रसन्नता का अनुभव करता है।
और ये देखता है कि ये जो सारा ताना बाना है वो मेरे द्वारा बुना गया है, तो उसे बहुत खुशी होती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि ईश्वर के मन में मनुष्य को उत्पन्न करने के बाद खुशी हुई और उसने सोचा कि मेरे ही रूप है जो विभिन्न रूपों में आज सृष्टि में दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, हमें मानना चाहिए कि हम ईश्वर का ही स्वरूप हैं, हम उसी का एक अंश हैं। इसलिए हमेशा हमें सत कार्यों में लीन रहना चाहिए और हमेशा दूसरी आत्माओं से भी प्रेम भाव रखना चाहिए, क्योंकि वे भी ईश्वर की ही संतानें हैं। चाहे हम किसी भी धर्म को मानते हों, किसी भी संत के फॉलोवर हों या हम किसी के भी अनुयायी हों, लेकिन हम सभी हैं तो वही मनुष्य जिसे हमें एक ईश्वर ने उत्पन्न किया है। इस सृष्टि में हम सब एक ही प्रकार से आए और एक ही प्रकार से जाएंगे, इसीलिए हमें आपस में सदैव प्रेम भाव बनाकर रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपका और हमारा प्रेम भाव भी इसी प्रकार से बना रहे। तो आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और इसे आप शेयर भी करें। आगे कमेंट करके भी बताएं कि आप भारतीय संस्कृति की कौन सी बात है जिसे आप पसंद करते हैं या आप उसकी चर्चा करना चाहते हैं। तो दोस्तों, उसी विषय के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर होंगी इसी YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।